हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शीतला सातम स्पेशल बाजरी के चटपटे वड़े। इसे बनाना बहुत ही आसान है। श्रावण महीने में शीतला सातम के ये वड़े गुजरात में लगभग सभी घरों में बनते हैं। ये बाजरी के वड़े बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे और ये स्वाद में बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाजरी वड़े बनाने के लिए अब हम एक बाउल लेंगे, फिर इसमें 2 कप बाजरी आटा डालेंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। यहाँ मेजरमेंट कप या कटोरी आप सेट करके ले सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन 2 हाथों से इस तरह क्रश करके ऐड करें। अजवाइन ऐड करने से बाजरी के वड़े स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच वाइट तिल और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च की जगह काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। यहाँ आप काली मिर्च पाउडर की जगह 2 हरी मिर्च भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड करें। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच ऑयल और 1/2 कप दही ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही ऐड करने से बाजरी के वड़े बहुत ही सॉफ्ट और चटपटे बनेंगे। यहाँ दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, मैंने नॉर्मल दही यूज़ किया है। अब हम हाथों से सबको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे और एक प्रॉपर डो रेडी करेंगे। अगर लहसुन खाते हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, नहीं तो स्किप करें, लेकिन लहसुन का टेस्ट बाजरी के वड़े में बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड करें। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच क्रश गुड़ या 1 चम्मच शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा पतला, इस तरह से सेमी डो रेडी करना है। अब हम हाथों में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, फिर दोनों हाथों में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर डो में इस तरह लगा देंगे ताकि वड़ा बनाते टाइम हाथ में डो स्टिक ना हो जाए। अब हम हाथों में थोड़ा मिक्सर लेके दोनों हाथों से राउंड शेप में घुमाएंगे, फिर हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करके साइड से भी इसे इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए, हमारे वड़े इस तरह से बनने चाहिए। फिर हाथों में थोड़ा तिल लेके इस तरह से वड़े के ऊपर प्रेस करेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि फ्राई करते टाइम तिल निकल ना जाए। थोड़ा बहुत निकलेंगे तो कोई बात नहीं, फिर ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे। दूसरा वड़ा भी हम इस तरह से बनाएंगे। बाकी सारे वड़े भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारे वड़े कितने मस्त बनके तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही ऑयल गरम करने को रख दिया था। अब हम इसमें 1 by 1 वड़े ऐड करेंगे। यहाँ वड़े को हमें संभल के रखना है।
वड़े को 2 से 3 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। वड़े में से तिल अलग हो जाए तो कोई बात नहीं, यही तिल वड़े के ऊपर बाद में स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे पलटा के दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। दोनों साइड हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बाकी वड़े भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना मस्त कलर आया है। ये देखिए हमारे सारे वड़े फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे ऊपर से तिल से स्प्रिंकल किया है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सितड़ा सातम के बाजरी के वड़े कितने मस्त बनके तैयार हुए हैं। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। ये वड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, स्वाद में बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं। ये वड़े बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। ये वड़े आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। 6 से 7 दिन एयरटाइट कंटेनर में रख के आप ये वड़े यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। बाजरी के वड़े बनाने के लिए आप इसमें 2 चम्मच ऑयल की जगह 2 चम्मच घी भी ऐड करेंगे तो इससे भी आपके वड़े बहुत ही सॉफ्ट, चटपटे और टेस्टी बनेंगे। और दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।